हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखा रही हूँ ये कड़ी लीव्स, कड़ी मीठा नीम जो है उसके मैं सीड कलेक्ट कर रही हूँ, जो कि मैं अब ग्रो करूँगी। ये आप देखेंगे, इनको मैं ग्रो करके नए पोट बन ये प्लांट्स बनाऊँगी। आज मैं आपको, ये मेरे पास हैं कड़ी पत्ता जिसे हम मीठा नीम बोलते हैं, उसके सीड हैं, वो मैं आपको ग्रो करना बताऊंगी। इनको मैंने उपचारित कर लिया था, थोड़ा सा टाइम इनको 2 दिन के लिए मैंने इनको लहसुन के पानी में रख दिया था ताकि ये उपचारित हो जाएं। वैसे इनको उपचारित करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने बहुत से सीड उपचारित किए थे तो इनको भी बीच में डाल दिया था। और मैं एक अपने फ्रेंड्स को, व्यूवर्स को ये बताना चाहूँगी कि जो मेरे फील्ड में, यहाँ पे खेत में जितने भी वृक्ष लगे हुए हैं उनके सीड्स तकरीबन बन गए हैं और वो ग्रो करने के लायक हैं। वो उन सबको मैं सीड करके, ये ग्रो करके दिखाऊंगी। उसमें मैंने कई ट्री तो करके दिखा दी हैं आपको, आज इसकी बारी है कड़ी लीव्स की। और एक मैं और बात बताऊंगी, वैसे जैसे साउथ में कड़ी लीव्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था, पर हमारे यहाँ अब नॉर्थ में भी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत से कड़ी के वृक्ष लगे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े। पहले उनको कोई भी यूज़ नहीं करता था, पर आजकल उसकी बहुत डिमांड है और लोग लेके जाते हैं, तो उससे उसकी मैंने कई चीज़ें भी बनाई हैं। इसका ये ऐसे बीज निकल जाएगा, बिल्कुल आप देखेंगे ऐसा बीज है इसका। ये सारे बीज उपचारित करके हम निकाल लेंगे, या ऐसे भी लगा सकते हो आप, तो ये आप लगाएं। सॉइल कैसी रखनी है आपने, हमेशा जो भी आप जिसके आप पत्तों की ग्रोथ चाहते हैं उसकी भी मैं एक वीडियो डालूंगी, जिसमें आप पत्तों की ग्रोथ चाहते हैं, जैसे पालक, धनिया, उसकी ग्रोथ, इसमें भी पत्तों की ज़्यादा ग्रोथ होनी चाहिए। उसके लिए आप सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप उसमें काऊ डंग का यूज़ करें बस, और कोई भी खाद आप यूज़ मत करें, तो आप देखेंगे कि आपका प्लांट बहुत ज़्यादा बुशी बन गया है। मैंने 50% गार्डन सॉइल ली है और सिर्फ 10% ही मैं वर्मी कंपोस्ट लूँगी। वैसे मुझे ज़रूरत नहीं है वर्मी कंपोस्ट लेने की, पर मैं ले रही हूँ क्यों, मेरे पास ये वर्मी कंपोस्ट जो है घर की बनाई हुई है, इसलिए मुझे कोई ऐसे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं इसको खरीद के लेके आई हूँ। काउडंक भी हमारे यहाँ आम ही मिलता है गाँव में, तो ये काउडंक है, बिल्कुल डिकम्पोस्ट हो चुका है। इसका मैं पोट भर लूँगी और उसके बाद हम सीड ग्रो करेंगे। इस पोट को मैंने सॉइल से भर लिया था और सॉइल से भरने के बाद मैंने इसको एक रात के लिए पानी खूब दिया इसको, और अब मैं इसका, आप देखेंगे मिट्टी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। और इसको मैं जितने हो सकता है मैं ये सारे सीड लगा दूंगी, और सीड लगाने के बाद मेरे पास ऑलरेडी बहुत से वृक्ष लगे हुए हैं फील्ड में, तो मैं इन सबको बांट दूंगी, अपने नेबर वालों को और आस पड़ोस वालों को मैं बांट दूंगी, इसलिए मैं इनको लगाती हूँ। आप जब सीड लगाते हैं तो इसको बहुत अच्छी वाटरिंग कर दें। वाटरिंग करने के बाद आप देखेंगे कि हमारा जो सीड है वो अच्छी तरह से पानी में भीग जाए, उसको कोई ऐसा ना रहे कि वो पानी उसको ना मिल रहा हो। पानी आप पूरा ज़बरदस्त पानी दें, और उसके बाद हम इसकी ग्रोथ देखेंगे हफ्ते या 10 दिन के बाद, फिर मैं उसको अपडेट दिखाऊंगी। और उसके बाद भी जब बड़े बड़े हो जाएंगे हमारे ये मीठे नीम के वृक्ष, तो उनको मैं फील्ड में ग्रो करूँगी, अपने नेबर वालों को दे दूँगी। फ्रेंड्स, ये 1 मंथ की ग्रोथ है सीड की, कड़ी पत्ता की, और ये आप देख रहे हैं बहुत अच्छी इन्होंने ग्रोथ करनी शुरू कर दिया। उसके बाद तो ये अपने आप ही बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे। इनको जस्ट एक बार आप काव डंक दे दें, और एक दो बार आप, मेरी वैसे ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, एक दो बार इसको आप कच्ची लस्सी,
छाछ जिसे बोलते हैं, छाछ का प्रयोग करें इसमें, तो आप देखेंगे कि कड़ी लीव्स के प्लांट बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। ये मैंने इमली उगाई थी और इमली का भी आप देख रहे हैं रिजल्ट बहुत अच्छा निकला है। हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी जो कड़ी लीव्स है उसकी आप ग्रोथ देख रहे हैं, बहुत अच्छा उसने रिजल्ट दिया है। तकरीबन 45 डेज़ से भी ज़्यादा हो गया है, 50 डेज़ के करीब हो गए हैं। मैंने काफ़ी सारे सीड लगा दिए थे ताकि मैं अपने नेबर को, मैंने पहले भी आपको बोला था कि मैं नेबर वालों को बांटूंगी, क्योंकि अब उनको सभी को ऐसे है कि मैं हम प्लांट लगाएं। और एक ये है कि कड़ी का लीव जो है, कड़ी का जो कड़ी पत्ता का जो ये वृक्ष है उसकी आप जड़ देखेंगे, रूट्स देखेंगे तो बिल्कुल छोटी है। कई प्लांट्स की हमारी रूट्स काफ़ी लंबी फैल जाती हैं पर इसकी रूट बहुत छोटी है। मैं अगर निकाल के किसी टाइम दिखाऊंगी, जब मैं अपने नेबर वालों को दूंगी तो इसकी रूट्स मैं दिखाऊंगी, तो ये इसलिए हमारे पॉट में अच्छी तरह सर्वाइव कर जाता है क्योंकि इसकी रूट बिल्कुल छोटी छोटी है, एक हमारी एक अंगुली की तरह है रूट्स इसकी हैं। इसको आपने क्या फर्टिलाइज़र देना है जिससे आपका ये प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा बुशी बने। वैसे तो मेरी ये वीडियो ओनली मैंने सीड के लिए ही रखा है कि मैं अपने जो खेत में हैं, फील्ड में है जो भी प्लांट मेरे, उनको वो सीड दे रहे हैं तो मैं सीड से ग्रो करके दिखाऊँ आपको, पर मैं इसके लिए फर्टिलाइज़र अब भी बता रही हूँ। वैसे मेरी एक वीडियो बनी भी हुई है, आप इसको डीकम्पोस्ट काउडंक दें। काउडंक का मतलब ये है कि हमारे प्लांट्स को नाइट्रोजन मिलता है, नाइट्रोजन से हमारे जो लीव्स हैं वो बहुत ज़्यादा फैलते हैं, बुशी बनते हैं, इसलिए हमारा प्लांट बुशी बनता है, ज़्यादा से ज़्यादा लीव्स होंगे। एक मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये हमारी जो गोट होती है बकरी, बकरी की मिंगने हैं, बकरी की इस, ये अगर आपको मिलती है हमारे गांव में तो बहुत ज़्यादा होती है, ये हम अगर प्लांट में देते हैं तो इसका रिजल्ट काउडंग से भी बेस्ट निकलता है। एक आप हफ्ते में, सप्ताह में एक बार आप ये छाछ दें, बिल्कुल पतला पानी सा घोल बना के आप प्लांट्स को दें, काउडंग दें, बकरी का मिंगने दें, तो आप देखेंगे कि आपका जो कड़ी का प्लांट है आपके गमले में भी बहुत अच्छा सर्वाइव करेगा और बहुत अच्छा बुशी बनेगा। ओनली सिर्फ ये आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दें और सीड से ग्रो करें। अगर आप कर सकते हैं तो आप टहनी से भी ग्रो कर सकते हैं, उसका भी रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर लाइक व शेयर करें, लाइक का बटन ज़रूर दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला बढ़ना रहे। और साथ के साथ आप कमेंट बॉक्स में भी मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको आगे क्या वीडियो चाहिए और किस चीज़ के सीड मैं ग्रो करूँ। बाकी जो मेरे पास खेत में है वो मैं करके दिखाऊँगी आपको कि किस चीज़ का क्या रिजल्ट निकलता है। किसी और वीडियो के साथ मैं फिर आपके समक्ष होंगी, इसके लिए थैंक्स।